हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर दोस्तों। साथ साथ ट्रिपल सी पर एक बड़ा अहम फैसला देखने को मिल रहा है दोस्तों आयोग की तरफ से, और यहाँ पर एक नई भर्ती विज्ञापन का दोस्तों भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। अधिशासी अधिकारी व कर निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती विज्ञापन दोस्तों। पूरी जानकारी ऑथेंटिक विथ प्रूफ आपको देने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे, वीडियो को कहीं भी मत करें। साथ पीईटी पर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि दो तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं मिल रही थी। आज जो भी अपडेट मिली आपको विस्तार से सारी चीजें बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। लेखपाल भर्ती कब तक आने वाली है, पीईटी के बाद आएगी या पीईटी के लिए मंजूरी मिल गई है, पूरी जानकारी देखिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी यूपी लेखपाल छात्रों को मैं अलर्ट करना चाहूंगा कि आप लोग के लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अब तक जो दो तीन साल से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर लास्ट टाइम में अब नहीं पढ़ा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा दोस्तों। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए बेसिक लेवल का। यूपी लेखपाल का में दो वैकेंसी है, एक है राजस्व लेखपाल, एक है चकबंदी लेखपाल, दोनों का एक ही सिलेबस है। तो आपको अलग अलग माइंड में रख के तैयारी नहीं करनी भर्तियों को, आपको यूपी लेखपाल की तैयारी करनी है जिसमें ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ पूछा जाता है, और इन चारों सब्जेक्ट पर मंथन कर बेस्ट टीचर बाय एक्सपर्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है बी टॉपर की तरफ से। इसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है अभी के लिए। इसमें आपको ग्राम सौ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने किया गया है, ग्राम समाज के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन, वन लाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज, स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक, साथ साथ हिंदी, जीके, मैथ के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, वन लाइन एंड प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ दिया गया है। बात करें तो ओवरऑल यहां पर यूपी लेखपाल का कंप्लीट सिलेबस किया गया है मात्र 99 रुपीज़ में। आप लोग बेस्ट बुक के बारे में पूछते रहते हैं, आप लोग गाइड बुक लेकर आते हैं 300-400 की, एक बार मेरे कहने से मात्र 99 वाला ये क्रैश कोर्स खरीद लीजिए। इसका लिंक मैंने नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। भाई बेसिक लेवल की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, साथ साथ आपको एक लेवल पता चल जाएगा किस तरीके से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आपको ये सारी चीज़ें बता देगा। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको खरीद लीजिए, देर बिल्कुल मत करें। आइए चलते हैं खबर पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है, गुड न्यूज़, 56 नई नगर पंचायतों में 3-3 पद मंजूर। जी हाँ दोस्तों, नए पद सृजित किए गए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में नई बनी 56 नगर पंचायतों में 3-3 पदों को का सृजन कर दिया गया है। इस हिसाब से इन सभी नगर पंचायतों में कुल 168 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सारे पद बड़े पद हैं, बी ग्रेड की वैकेंसियां हैं। एक है कर निरीक्षक और दूसरा है अधिशासी अधिकारी और एक है चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां। यहां पर 3-3 पद का मतलब है कि एक नगर पंचायत में 3 नए पद बनाए गए हैं, एक अधिशासी अधिकारी का, एक कर निरीक्षक का, और जो आपका तीसरा है वो चतुर्थ श्रेणी का आपका, जैसे जिसमें चपरासी, पियोन, ठीक है, बाकी आपका ये सारे ऑफिस के। तो यहाँ पर भर्ती की जाएगी। नगर विकास विभाग में इन पदों पर जल्द ही भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजेगा। नगर विकास विभाग ने शहरों की बढ़ती हुई आबादी के आधार पर बड़े गांवों को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। इन नगर पंचायतों के गठन संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुके हैं और इनका विधिवत गठन हो चुका है। अब इन नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। पहले चरण में 3-3 पद का सृजन किया गया है। इसके आगे जरूरत के आधार पर इनमें अधिकारियों को और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, ये बी ग्रेड की वैकेंसी की बात की गई है सिर्फ यहां पर, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि आगे हम और भी पद सृजन करेंगे। तो यहां पर अभी सी ग्रेड की बहुत सारी पोस्टें आने वाली हैं, ठीक है। सी ग्रेड की भी पोस्टें, जैसे आपका कनिष्ठ सहायक हुआ, कनिष्ठ लिपिक हुआ, ये सारे पद भी यहाँ पर जो नगर पंचायत बनाए गए हैं उनमें पोस्ट बढ़ाए जाएंगे और उन पर भी विज्ञापन निकाले जाएंगे। फिलहाल तो अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, इन सभी पदों की आप तैयारी कर रहे हैं या बड़े पद की आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारे गोल्डन चांस हैं। आप सभी तैयारी करते रहिए दोस्तों, बहुत जल्द इस पर विज्ञापन आने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों लेखपाल भर्ती को लेकर। दोस्तों
साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, बहुत सारे छात्र कहते हैं सर अपना नंबर दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और मैं सभी का रिप्लाई करता हूं। बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं मेरे साथ और ये समय समय पर अपना डाउट क्लियर करते रहे। मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे फोन पे, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। बिना फॉलो किए करेंगे तो रिक्वेस्ट मैसेज में चला जाता है, उसमें लेट हो जाएगा रिप्लाई करने में। तो आप लोग जाइए मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का। बात करते हैं दोस्तों यहां पर अब लेखपाल भर्ती को लेकर, तो यहां पर जानकारी मिल रही है कि लेखपाल भर्ती में जो ट्रिपल सी का मामला था, ट्रिपल सी को लेकर बहुत सारा डाउट निकल के आ रहा था कि ट्रिपल सी में अगर वहां पर कंपलसरी कर दिया जाएगा ऑनलाइन करते टाइम कि आप अपना सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट दीजिए, तो फिर जिन लोगों का ट्रिपल सी नहीं हो पाए, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फिलहाल, तो अभी नवंबर में काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं ट्रिपल सी के, बहुत सारे छात्रों का हो चुका होगा, तो उनका दोस्तों यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है स्टेटस आपका, आपके पास ट्रिपल सी है नहीं है, आपने आवेदन किया है, परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा हो गया रिजल्ट नहीं आया, ये सारी चीज़ें जो भी आपका है स्टेटस आप लोग बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस तरीके से छात्रों के पास ट्रिपल सी को लेकर समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल तो यहां पर जानकारी मिल रही है कि जो आपका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर वाला वेब पोर्टल का बात था कि अगर ऐसा किया जाएगा तो वहां पर केवल वही आवेदन कर सकेंगे जिनके पास प्रेजेंट टाइम में उस वक्त सर्टिफिकेट होगा, वही सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डाल सकते हैं। बाकी जिनका रिजल्ट आ गया होगा, परीक्षा दे दिए होंगे लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, वो भी आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट में सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट नहीं होता है, केवल सर्टिफिकेट में होता है। लेकिन फिलहाल यहां पर कर्मचारियों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से वीडियो भर्ती का वेब पोर्टल तैयार किया गया था ऑनलाइन करने के लिए एस और नो का, उसी तरीके से दिया जाएगा। बाद में आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, यानी कि ट्रिपल सी एट द एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अगर नहीं रहा आपके पास तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी छात्रों के लिए। फिलहाल आपको ये खबर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस पे अभी बात चल रही है, जल्द ही इस पर जानकारी पुष्टि करके मैं आपको दूंगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही राहत भरी है और ये बहुत ही अच्छी खबर है। ट्रिपल सी वाली समस्या यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व होती नजर आ रही है। आप लोग बताइएगा कि ट्रिपल सी है या नहीं है और क्या आप लोग चाहते हैं किसी तरीके से वेबसाइट में ऑप्शन दिया जाए एस और नो का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ट्रिपल सी मांगा जाए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ दोस्तों पीटी को लेकर यहाँ पर अपडेट मिल रही है, कई दिन से कोई अपडेट नहीं मिली पीटी को लेकर। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उन्होंने फिर से एक प्रेस रिलीज तैयार कर राज्य सरकार और कार्मिक विभाग को दिया है, लेकिन दोस्तों वहां से अभी भी मंजूरी आयोग को नहीं मिल रही है। फिलहाल अपने बात लगातार आयोग समझा रहा है कार्मिक विभाग को और सरकार को। फिलहाल सरकार ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसको पहले ही निरस्त कर दिया था, इस पर कहा था कि भर्तियां जल्द से जल्द निकाला जाए। कार्मिक विभाग का कहना है कि यहां पर पीईटी को लेकर जो चीज़ें हैं वो पहले क्लियर करें, तो आयोग समय समय पर उनको सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन पूरी जानकारी जहां तक ये मिल रही है कि कार्मिक विभाग से भी पीईटी को मंजूरी नहीं मिलने वाली है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब ज़्यादा दिन तक भर्ती प्रक्रिया रुक नहीं सकती है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर 15 नवंबर के पहले मंजूरी मिल जाती है तब तो ये पीईटी लागू करेंगे और भर्तियों को रोक देंगे, और 15 नवंबर तक अगर इनको मंजूरी नहीं मिली तो इनको भर्ती निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको 2020 में ही भर्ती निकालना है। 3 माह के अंदर जो अल्टीमेटम दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो यहां पर इनको पूरा करना है, तो बस थोड़ी दिन का और इंतजार है, जल्द ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सीधी भर्ती देखने को मिलेगा। 99% चांस है कि पीईटी रद्द कर दिया जाएगा, पीईटी लागू नहीं होगा कार्मिक विभाग के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं पीटी लागू है ना हो, और साथ साथ ट्रिपल सी का भी स्टेटस अपना बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ये नोट्स खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अभी कभी खरीद लिए मात्र 99 रुपीज़, हाईली रिकमेंड करता हूँ इन नोट्स के लिए। और अगर कोई बातचीत करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने।